है सैटरडे और इसलिए मैं हूँ घर पर और मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे कोल्ड हो गया है। हेलो हेलो, तो आज क्या प्लान है मम्मी? बारिश तो सुबह से बहुत हो रही है। ओ माय गॉड, आज हम लोग सब बहुत लेट उठे, बहुत। मम्मी और स्काई उठकर बैठे थे सुबह से, मम्मी भी जल्दी उठ गए थे, बट हम लोग, हनी तो अभी भी सो रही है, अभी बज रहा है 12:30 कुछ। मैं अभी अभी कुछ टाइम पहले उठी हूँ, राज भी अभी जस्ट 10 मिनट्स पहले उठा है। हम लोग सब बहुत लेट उठे हैं और बारिश इतनी अच्छी हो रही है, पूरा वीकेंड बारिश हो, बहुत मज़ा आएगा। तो आज होगी वो रूम की सफाई थोड़ी सी, क्योंकि आज मैंने करके रखा था। अब हाँ, विंडो में बोला था मम्मी आप जाना मत करना, अब जाओगे मैं रहूँगी घर पे, तो मैं हेल्प कर लूँगी थोड़ा। अभी थोड़े टाइम में वो रूम की सफाई स्टार्ट करेंगे। वो रूम कैसा है अभी और सफाई करने के बाद कैसे होगा वो हम दिखाएंगे, आई मीन बिफोर एंड आफ्टर थोड़ा सा दिखाएंगे सीन्स। बट आज तो कुछ नहीं है, वही आज पूरा दिन मतलब थोड़ा बहुत क्लीनिंग होगा, थोड़ा रेस्ट करेंगे, थोड़ा इन्जॉय करेंगे क्लाइमेट। ना कुछ प्लान नहीं है, कोई स्पेसिफिक प्लान नहीं है, हम बस घर पे बैठेंगे, मूवीज वूवीज देखेंगे और टाइम पास करेंगे। तो नाश्ता करके हाँ, मैं भी मेडिसिन ले लेती हूँ, वरना पता चला मैं इन्जॉय करने के मतलब ऐसे ही तकलीफ लूँ। ठीक है, देन मिलता है बाद में जब हम स्टार्ट करेंगे रूम क्लीनिंग। सो हम सब ने ब्रेकफास्ट एंड ऑल कर लिया और अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ ये रूम का क्लीनिंग। मम्मी थोड़ा बहुत लंच वंच बनाकर फिर ज्वाइन करेंगे, तब तक मैं थोड़ा ऊपर ऊपर से कर लूँगी। मैं बताती हूँ रूम की हालत क्या है, फिर जब क्लीन हो जाएगा उसके बाद भी मैं बताऊँगी कि अब कैसे दिख रहा है। तो ये है रूम की हालत, पूरा ऐसे ही सामान पड़ा हुआ है। ये सब, ये सारा कुछ ठीक तो हो गया है, बट ये हम अभी कलर नहीं करेंगे इसको, क्योंकि पता नहीं बारिश में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है और हमें देखना है। फिर ये बाद में करेंगे, वो पूरा सब बाहर से हटा देंगे, यहाँ से भी हटा देंगे, ये सारा कुछ क्लीन कर लेंगे और फिर सेटअप करते हैं बेडरूम। तो इतना पूरा रूम आज पूरा दिन लग जाएगा इसको क्लीन करने, थोड़ा डीप क्लीनिंग करेंगे, थोड़ा ऊपर से झाड़ना एंड ऑल सब, सो दैट और फिर डायरेक्टली दिवाली के टाइम पे हम करें। तो मैंने और राज ने मिलके ये पूरा बेडरूम क्लीन कर दिया है, थोड़ा बहुत बाकी बट एटलीस्ट पूरा जगह पे सब सामान आ गया है। थोड़ा हम लोग का जो मैट्रेस है वो लाना बाकी है, एक टेबल है वो अंदर लाना बाकी है और थोड़ा बहुत है, बट स्टिल मैं दिखा देती हूँ अब भी फिलहाल कैसा लग रहा है। ये देखो बेड जगह पे है, ये टेबल इधर था वहाँ आ गया, वहाँ पे एक टेबल आना है और इस पर मैट्रेस आ जाएगा और बाकी ये सब जो निकालना है वो हम वो वर्कर्स लेबर्स को ही बुलाकर निकलवाएंगे, क्योंकि हम नहीं निकाल पाएंगे। बाकी ऑल सेट है, पूरा रूम थोड़ा क्लीन हो गया है, ये सारा भी मैंने क्लीन कर दिया, पोछ के ऊपर का सामान हटा दिया, अब इस पे मैट्रेस आ जाएगा। और ये हमारी कुट्टू बेटू, ओ बाबू ये स्काई बहुत मिस कर रही थी ये बेडरूम। हाँ बेटा, अब इधर आके सोएगा, यही स्काई की जगह होती थी, आई मीन जहाँ वो सोती है, तो अभी भी इधर ही आकर सोएगी। वॉल्स एंड ऑल थोड़ा बहुत क्लीन किया है, ये थोड़े दाग है उसको आराम से करना पड़ेगा। तो फिलहाल इतना तो क्लीन हो गया है, अभी देखते हैं, अभी थोड़ा मैट्रेस वैट्रेस लाकर सब थोड़ा रूम पोछ देंगे, फिर बारी बारी जैसे हमें ये वार्डरोब पोछना पड़ेगा, फिर डोर पोछना पड़ेगा, थोड़े वॉल्स एक एक करके पोछना पड़ेगा, सब एक साथ नहीं करेंगे, बट धीरे 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 ये भी बेडरूम पूरा फिर से सेटअप हो जाएगा। फिर देखते हैं अभी कितना बज रहा है, लंच टाइम होकर चला गया, 3:30 हो रहा है अभी। बाहर का भी सब सामान थोड़ा है, मैं बताती हूँ, पूरा अंदर जो कचरा था वो सब बाहर हमने रखा था, ये बेड के अंदर का भी पिल्लो विल्लो सब निकाला था, सो दैट अंदर भी कुछ मट्टी हो कुछ हो तो क्लीन हो जाए। बट या ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज डन, अभी बस थोड़ा बहुत जो बाकी वो सब कर फिर लंच करके फिर इवनिंग का देखते क्या है। इस ये सब कर मैं बताऊंगी कि कैसे है पूरा फाइनल, कैसे पूरा सेटअप एक्चुअली में था हमारे घर पर, अभी हो गया फिर से। ये सब तो कचरा है, ये कर्टन्स है जो हमारे बेडरूम के विंडो में लगेंगे, ये सब भी कचरा है, ये सारा कुछ हमारे बेड के अंदर था, हम रखते सो दैट इसका कवर ओवर लगाना है, सो दैट कभी इनकेस कोई आ जाए तो हमारे पास एक्स्ट्रा पिल्लोज है। ये भी हम इसका कुछ DIY करने वाले हैं और वो पीछे का टेबल जो है वो हम बेचने निकाल रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इतना सब सामान है जो सेट करना है, अभी वो सब सेट करूँगी, फिर धीरे धीरे और थोड़ा बहुत रहेगा। देखो पीछे बहुत सामान है, वो कर्टन्स जो है सारे हमारे ये विंडोज के हैं, यहाँ के हैं, वो विंडो के हैं,
उसे भी हम वॉश करके अच्छे से लगाएंगे, क्योंकि अगर अभी ऐसे लगा दिया तो फिर वो निकलेगा नहीं। या तो इफ अगर अभी लगाएंगे तो दिवाली के टाइम निकाल के वॉश करना है, बट लेट्स सी कैसे होता है, कैसे करना है। तो मैं कर लेती हूँ अभी बाकी का चीज़ सारा, एंड देन फिर मिलता है, बताती हूँ। हो गया सब? हाँ, ये सब रख रही हूँ अंदर, ये सब दिवाली में निकाल के बाद में देखेंगे। बाद में सब कवर और चेंज करना है ना, अभी अभी फिलहाल ऐसे ही रख देते हैं। अभी रख दो ऐसे, देखो संभालो इसका है, देखो अंदर घुस ना जाए, बंद हो जाएगी फिर इसका है। कुट्टू चलो, अच्छा है ट्विंकल ने और राज ने मिलकर सब काम कर लिया है, यहाँ का रूम पूरा क्लीन ज्यादातर ट्विंकल ने किया लगता है। राज तुमने क्या किया? नहीं नहीं, अरे मेरा बेटा राज ने भी सब किया है, कैसा मुंह फूल जाता है इसका अगर इसका नाम ना ले तो। राज ने एक्चुअली ये इतना हैवी है ना, मूव नहीं होता ये, वो सब ऊपर का जाला वाला निकाल ले, अकेले से नहीं होता। तो राज ने फैन भी साफ कर दिया ना। हाँ, वो राज ने किया। अरे बाबा, राज 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 ने किया, राज ने किया। दाल चावल रोटी भाजी भिंडी की सब्जी बनी है, रोटी हनी ने बना दी है फटाफट, और जल्दी जल्दी खाना सब बन गया। अब हम लोग बैठ के खाएंगे। दो टाइप की चटनी बनाया है, एक सिंह की जो कि मुझे दाल चावल के साथ बहुत पसंद है, और एक ग्रीन चटनी बना के अभी से रख दिया है क्योंकि हम लोग रात में बनाएंगे सैंडविच। क्योंकि दाल चावल रोटी भाजी सब पूरा खाना अगर एक टाइम पे खाएंगे तो रात में हम लोग थोड़ा हल्का खाना खाते तो सैंडविच हम लोग को जम जाता है। हमारी इसका यहाँ पे परेशान हो रही है, ये सब क्या हो रहा है भाई, ये सब क्या हो रहा है? ये भाई गद्दा लाने की प्रिपरेशन। चलो आज देखते किस में है कितना दम। इसको इसमें डालना, ये उल्टा जाएगा राज। चलो स्काई हटो, आ जाओ स्काई हटो, चलो और लो दे पूरा लो। स्काई उठाओ, ऐसे उठाओ। अभी स्काई की प्लेस स्काई को मिल गई, अब शी विल स्लीप वेरी नाइसली, है ना स्कू? अरे बस देखा जैसे मैंने बोला, हालत खराब हो गई। पूरा मैट्रेस उठाने में इतना हैवी मैट्रेस था कि एक दो लोग से भी मुश्किल से हुआ है, थोड़ा हॉल्ट ले लेके हम लोग अंदर तक रखे उसको, वो तो रख दिया। अब एक और चीज है जो हमें अंदर लेकर जानी है, वो है ये टेबल। ये मम्मी का रेकी कॉर्नर था, बट हम लोग ये टेबल अंदर के रूम में लेकर जाएंगे। मम्मी के सर्टिफिकेट सारे यहीं पे रहेंगे, उसको हम टच नहीं करेंगे, बट ये टेबल अंदर जाएगा क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें हैं, बाहर से कोई आता है या कुछ ऐसे टच करता है तो वो नहीं होना चाहिए, एज इन दूसरों का एनर्जी टच नहीं होना चाहिए। तो ये जाएगा अंदर, अब इसको हम लेकर जाएंगे अंदर और फिर वो उधर पूरा ये ऐसे ही सेटअप करेंगे। संभालना कहीं का दीवार हुआ। स्काई को भी हाथ रख दो, मुश्किल
डन। चेक कर लो स्काई बराबर है, बराबर है गुट्टू? हाँ चेक कर रही हूँ। ओके बराबर है ना, ठीक है चलो। ये था उधर ही, बट बीच में ये जब सब पूरा हटाना पड़ा ना हमें, ये सब साफ कर रहे हैं बनाने के लिए, तब इसको हमने उधर कॉर्नर में शिफ्ट किया। हाँ, राइट। ये हम लोग का यही बेडरूम था, बट अभी इसके ऊपर पूरा रेकी सेटअप कर लेते हैं। और वो जो कॉर्नर से हमने ये हटाया, वो कॉर्नर पे हम कुछ सोच रहे कि कुछ करेंगे दिवाली के टाइम पर, अभी नहीं सोचेंगे। ये अपनी जगह पे बैठ गई है गुंजू। तो अभी मैं सबका खाना निकाल रही हूँ, सब नहावा के हो गया है। ये मैंने बनाया दाल चावल रोटी, रोटी ये है, ये रोटी है दाल चावल रोटी भाजी, हनी ने रोटी बनाई, ये सिंग की चटनी, अचार और पापड़। अमेजिंग। सो ये है हमारा खाना, और रात को बनेगा सैंडविच, तो मजा आ जाने वाला है आज। बहुत बताया वो मैंने सैंडविच वाला। हाँ चलो ठीक है, और मैं ऐसी क्यों दिख रही हूँ, बिकॉज मैंने बाल धोए। सो एज यू नो मेरे पीछे मम्मी बना रहे हैं सैंडविच, जिसका प्रिपरेशन मैं आपको बताती हूँ किस एंगल से। मम्मा आपने चालू किया बनाना सैंडविच? हाँ, टोस्ट सैंडविच। वाओ, पहले डिसाइडेड था कि सिंपल सैंडविच बनाएंगे, फिर राज की फरमाइश थी कि टोस्ट सैंडविच बनाया जाए। सो दिस इज ऑल द प्रिपरेशन। ये मम्मी ने मसाला बना दिया है, दिस इज बटर, दिस इज ब्रेड, और ये है चटनी, और ये है टोस्ट सैंडविच के लिए, व्हाट इज इट, टोस्टर। टोस्टर मम्मी ने रख दिया है एक टोस्ट सैंडविच के लिए सैंडविच, आप इसको टोस्ट हो जाएगा ये वाला सैंडविच। सब एक एक पीस खाएंगे और बताएंगे कैसा लगा। ओके देखो, सैंडविच बनाने के लिए गए और फिर पता चला कि ये थोड़ा सा इशू दे रहा है, ये मशीन शायद वर्क नहीं कर रही है। And we're terrified now. Mama, we want sandwich. Trying again. Let's see. हमारे पूरे सपनों में पानी फिर चुका है guys, because ये मशीन वर्क नहीं कर रही है अभी। ये मशीन बिल्कुल वर्क नहीं कर रही है। क्या हो गया मम्मी? पता नहीं अचानक क्या हो गया है, चालू नहीं, मतलब आवाज आ रहा है, लाइट हो रहा है, लेकिन गर्म नहीं हो रहा। हाँ ये ऐसे क्या, ऐसे ही है कब से? ये ऐसे ही रहेगा तो ये बनेगा नहीं क्या अभी मम्मी? टोस्ट सैंडविच बनेगा ना, बना के ओवन में है, ये माइक्रोवेव है, उसमें बना देती हूं। ओह वाह, थैंक गॉड वी हैव अ सॉल्यूशन फॉर दिस। चलो ठीक है, हमारा सपना अभी भी वैसा ही है, ये दोनों चीज यूज होगी। प्लीज गॉड को प्रे करो कि ये चीज अच्छे से यूज हो। माय मॉम लाइक्स सच अ ड्रामेटिक गर्ल, शी इज। यहाँ पे मम्मी रख रहे हैं सारे सैंडविचेस अंदर, एंड फाइनल रिजल्ट दिखाएंगे ये होने के बाद। तो और एक वे में मम्मी ने चालू कर दिया सैंडविच बनाना, विच इज ये पैन के ऊपर। हाँ, ताकि फटाफट हो जाए और हम फटाफट खा ले, बेटर खाने पे मिलते फिर। सो मैं ये लेके जाती हूँ सबको टेस्ट कराने के लिए। सॉस चटनी डू यू वांट एनीथिंग? Wow, okay. Amazing. Okay. मैं नहीं। You? अच्छा है? दो मम्मी को भी कराना है टेस्ट। गुड। माइक्रोवेव में बनाओ, टोस्टर में बनाओ, या तो पैन में बनाओ, टेस्ट बहुत अच्छा है। ओके चलो मैं बना बना के देती, फटाफट खा लो। सो स्काई वहाँ पर बैठी है, उसने खाना खा लिया और हम लोग ने भी सैंडविच खा लिया है। तो अब हम पूरे दिन के लॉन्ग डे के व्लॉग को एंड करते हैं। आज बहुत कुछ हुआ, एक अच्छी चीज हुई, एक बुरी चीज हुई। आप लोग बताना क्या अच्छी चीज हुई और क्या बुरी चीज हुई हमारे व्लॉग में आज। किसी को कुछ बोलना है? कुछ नहीं, थोड़ा मैं तो क्लीनिंग का वर्क भी मेरा, मैंने सोचा था मैं इवनिंग में करूंगी थोड़ा, बट थकान की वजह से नहीं हो पाया। देखूंगी कल करूंगी, कल का भी एक दिन है। ओके और मैं जो सैंडविच बनाने वाली थी, तो सैंडविच जो नहीं बनने के पर था, लेकिन मैंने बनाकर बच्चों को खिलाया। हाँ टोस्टर भी समझ आता। ये
होती है बच्चों की विश पूरी करने के लिए, खास करके खाने के लिए। तो चलो ठीक है, हम व्लॉग एंड करते हैं। बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अच्छी चीज और बुरी चीज आप लोगों के हिसाब से क्या है, अगर आपको टाइम मिले तो कमेंट करके बताना। चलो, कौन सी अच्छी चीज हुई और क्या बुरी चीज हुई। ओके बाय।